नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने एयरबैग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी हादसे में एयरबैग काम नहीं करता है तो इसके लिए कंपनी को हर्जाना चुकाना होगा। कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में कार मेकर हुंडई से कहा है कि वो हादसे में होने वाले नुकसान के लिए शैलेंद्र भटनागर को 3 लाख रुपए का जुर्माना चुकाए। यह हादसा 2017 में हुआ था। भटनागर ने कंज्यूमर फोरम में एक याचिका दाखिल की और कहा कि क्रेटा की सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कार को खरीदा था, हालांकि हादसे के दौरान एयरबैग काम नहीं किया जिससे उन्हें गंभीर चोट आई थी। राजधानी में रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल भोपाल में रोजगार मेला लगने वाला है जिसमें बेरोजगार युवा 25,000 तक का रोजगार पा सकते हैं। आपको बता दें 25 अप्रैल को राजधानी भोपाल में रोजगार मेला लगने वाला है जिसमें 7 कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं का चयन करेंगी। सैलरी 8 से 25,000 तक की होगी। एक प्रमुख अमेरिकी सांसद ने कश्मीर में मानवाधिकार के हालात को लेकर चिंता जताई है। सांसद एंड्री लेविन ने कहा है कि अमेरिकी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो भारत जैसे लोकतंत्र से बेहतर होने की उम्मीद करता है। विदेश मामलों की समिति और एशिया प्रशांत एवं अप्रसार मामलों की उप समिति के सदस्य एंड्री लेविन ने यह बयान वर्चुअल सम्मेलन में दिया जिसे भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद और 16 अन्य समूहों ने बुधवार को आयोजित किया था। अतिक्रमण हटाओ अभियान के इस सीजन में सुप्रीम कोर्ट सरोजिनी नगर में बसी झुग्गियां हटाने के मामले पर 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ के सामने पीड़ित झुग्गी वादियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने शुक्रवार को इस मामले में जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। पीठ ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए इस मामले को आगामी सोमवार यानी 25 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित इफ्तार में शामिल क्या हुए, मानो पूरे बिहार की राजनीति गरमा गई। लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे हैं। कोई इसे महागठबंधन की वापसी के तौर पर देखने लगा है तो किसी ने कहा कि ये भाजपा पर एक दबाव बनाने की कोशिश है। आज सुबह जब वीर कुंवर सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीएम मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म जर्सी को काफी वक्त तक पोस्टपोन किए जाने के बाद हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है। हालांकि बावजूद इतना एहतियात बरतने के फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस सिर्फ 2.5 स्टार रेटिंग देकर काफी स्लो और खींची गई फिल्म बताया है। वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को कोई खास धमाकेदार शुरुआत नहीं मिली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली में अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद कहा है कि ब्रिटेन भारत के साथ दोस्ताना और निजी तरीके से मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार जॉनसन एक पत्रकार को जवाब दे रहे थे जिन्होंने पूछा था कि क्या उन्होंने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप के साथ साथ देश में लोकतंत्र कम होने के बारे में पश्चिमी देश के बढ़ती धारणाओं पर चिंता व्यक्त की है। किसी भी राष्ट्र की मजबूती के लिए उसका डिफेंस सेक्टर में मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है और इस सेक्टर में आत्मनिर्भरता उसे और मजबूत करती है। भारत इस तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है। डिफेंस सेक्टर में देश मेड फॉर इंडिया से मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर केंद्र सरकार सेना को स्वदेशी हथियारों और उपकरणों से लैस करने के लिए अभियानरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे विश्व में खाद्यान्न की कमी महसूस की जा रही है। ऐसे माहौल में भारत जैसे देश के लिए विश्व व्यापार संगठन की अड़चनें आ रही हैं। यदि इसका समाधान होता है तो कृषि उत्पाद विशेष रूप से अनाज का निर्यात करके भारत विश्व में उत्पन्न खाद्यान्न संकट को कम कर सकता है। भारत की चिंताओं पर विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नोगजी ओकोंजो इवेला ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की हाल में संपन्न बैठक में अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमें आशा है कि WTO इसका समाधान जल्द ही देगा। बॉलीवुड सिनेमा के सबसे सफल डायरेक्टर्स में से एक रोहित शेट्टी थिएटर्स को अपनी फिल्मों से हिलाने के बाद OTT पर भी कदम रखने जा रहे हैं। रोहित शेट्टी ने कुछ दिनों पहले ही अपनी मेगा बजट एक्शन वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ऐलान किया है। बता दें कि वेब सीरीज से सामने आई ताजा रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी की अपकमिंग वेब सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा के बाद शिल्पा शेट्टी की भी एंट्री हो गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। उन्होंने इन्फ्लेशन के जल्द कंट्रोल में आ जाने की भी उम्मीद जताई है। दरअसल कोरोना की महामारी के बाद इकोनॉमी में रिकवरी थी लेकिन यूक्रेन क्राइसिस का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने की आशंका है। इस वजह से IMF सहित कई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के ग्रोथ के अनुमान में कमी की है। दिल्ली में माधेपुर, हस्तसाल और सिरसपुर और नांगलोई के ज्वाला
शिवपुरी और इसके आसपास के लोगों को अब इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा। ये दिल्ली सरकार 4 नए अस्पताल यहाँ पर बनवा रही है। इसमें से 3 अस्पतालों के अंदर बेड की क्षमता 650 होगी और सिरसपुर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बेड क्षमता 1164 होगी। इस तरह चारों अस्पताल बनने के बाद 3114 बेड का इजाफा होगा। हालांकि इन अस्पतालों के निर्माण में और अधिक बेड बढ़ाए जाने की भी कोशिश की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वालों को बैंक ने एक बार फिर चेतावनी दी है। SBI के मुताबिक आजकल फर्जी फोन कॉल काफी बढ़ गई है, जिसके कारण खाता धारकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर आप इस तरह की घटनाओं से बचना चाहते हैं तो 9182947104 या फिर +9173629519739 नंबर पे आने वाले फोन कॉल को ना उठाए। ऑनलाइन धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए SBI ने अपने ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। अगर किसी इंडिविजुअल्स की टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स से इनकम एक वित्तीय वर्ष में 25,000 रुपए से ज्यादा होती है तो उसके लिए रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 2.5 लाख की छूट लिमिट से भी कम है लेकिन TDS और TCS इनकम 25,000 या उससे ज्यादा होती है तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बिहार की छवि देश को मानव संसाधन उपलब्ध कराने भर की हो रही है। देश के तमाम राज्य में बिहार के कामगार भरे मिलेंगे। इसका एहसास देश को तब हुआ जब कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान बिहार की तरफ से आने वाली सड़कों पर हुजूम चलता हुआ दिखा। ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि उद्योग स्थापित करने की यहाँ केवल बातें ही होती रही, किसी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हालांकि अब यह स्थिति बदली हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2527 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1656 लोगों ने इस महामारी को मात दी। आपको बता दें कि देश में फिलहाल 15,079 एक्टिव केस है जो कि महज 0.04% है। वहीं राहत देने वाली बात यह है कि रिकवरी रेट 98.75% के करीब है। चीन की राजधानी बीजिंग के स्कूल में 10 छात्रों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में संक्रमण के इन मामलों की पुष्टि हुई है। COVID-19 की जांच में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शहर के अधिकारियों ने एक सप्ताह के लिए स्कूल में कक्षाएं स्थगित कर दी है। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर अगले सप्ताह आने वाला है। ये एक मल्टी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल चेन है। कंपनी का IPO 27 अप्रैल को खुलेगा। इस IPO के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है। सिनेमा की दुनिया के एक्शन हीरो अजय देवगन आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। इसी कारण वो कभी रियलिटी शोज तो कभी किसी इवेंट में प्रमोशन करते नजर आते हैं। जब एक्टर से पूछा गया कि उनकी 2015 में आई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म दृश्यम का सीक्वल कब आएगा तो इस पर जवाब देते हुए अजय देवगन ने बताया कि फिल्म का सीक्वल इस साल के अंत में आ सकता है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर राजस्थान रॉयल्स के हाथों 15 रनों की हार के दौरान IPL आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए शनिवार को मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया, जबकि सहायक कोच प्रवीण आमरे को एक मैच के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन तीनों पर शुक्रवार को खेले गए मैच के विवादास्पद आखिरी ओवर में उनकी भूमिका के लिए जुर्माना लगाया गया। भारतीय इक्विटी बाजार में हाई वोलेटिलिटी के बीच लगभग 2% की गिरावट आई है। शुक्रवार 22 अप्रैल को समाप्त दूसरे सप्ताह में सेंसेक्स 1141.78 अंक या फिर 1.95% की गिरावट के साथ ही 57,197.15 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 303.65 अंक या 1.73% की गिरावट के साथ 17,172 पर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मई में दरों में बढ़ोतरी, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी पर की गई तीखी टिप्पणियां, मिश्रित तिमाही नतीजे और बिगड़ते रूस यूक्रेन युद्ध से बाजार लाल निशान में बंद हुआ। भारत में इसी नाम से क्रिकेट को एक अलग पहचान मिली है, वो सचिन ही है जिन्होंने हमें क्रिकेट से प्यार करना सिखाया। सचिन ने ही भारत के हजारों युवाओं को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। क्रिकेट के प्रति एक अलग तरह के जुनून के कारण ही सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ सचिन ही एकमात्र अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में जो नाम सचिन ने कमाया है वो शायद किसी और क्रिकेटर ने कमाया हो। प्रशांत किशोर के जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक की। पार्टी के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि सोनिया गांधी उन्हें शामिल करने के लिए तैयार है और वो भी इस विचार के लिए तैयार है। सूत्रों ने बताया है कि प्रशांत किशोर अगले 2 हफ्ते में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।
चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए दुर्लभ तीसरे कार्यकाल की राह बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि वो अगले कुछ महीने में होने वाले पार्टी कांग्रेस के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए हैं और इसमें उनके पद पर बने रहने के लिए मुहर लगाए जाने की व्यापक रूप से उम्मीद है। पार्टी कांग्रेस की बैठक 5 साल में एक बार होती है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार 68 वर्षीय शी को शुक्रवार को सर्वसम्मति से पार्टी के गुआनशी क्षेत्रीय कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से लैब एनालिस्ट समेत कई पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका सामने आया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से एक और महारत्न कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भर्तियां की जाएंगी। इसमें कुल 186 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। कंपनी की तरफ से जारी HPCL टेक्नीशियन भर्ती 2022 अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 22 अप्रैल 2022 से शुरू हो गई है। आवेदन करने के लिए HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट hindustanpetroleum.com पर जाना होगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपर डिवीजन क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने प्रिलिमिनरी परीक्षा में सफलता हासिल की है वो अब शामिल होने के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड 30 अप्रैल 2022 तक डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के 2 दिवसीय भारत दौरे में दोनों देश के आपसी संबंधों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी बातचीत के टेबल पर रहे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूके का भारत में निवेश, रक्षा संबंधों में मजबूती, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हेल्थ सेक्टर में नजदीकियों के अलावा यूक्रेन, इंडो पैसिफिक, आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों राष्ट्राध्यक्ष ने महत्वपूर्ण बातचीत की। ट्रू कॉलर यूजर के लिए बुरी खबर है। ट्रू कॉलर यूजर 11 मई 2022 के बाद एप्लीकेशन के कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने ऐप में दिए जाने वाली कॉल रिकॉर्डिंग सुविधा को बंद करने का ऐलान किया है। दरअसल गूगल ने ऐलान किया है कि वो 11 मई 2022 के बाद से किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं देगा। ऐसे में ट्रू कॉलर ऐप को मजबूरी में 11 मई से कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को बंद करने का ऐलान किया गया है। गूगल ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अगले सप्ताह रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ अलग से बैठक करेंगे ताकि शांति के लिए तत्काल आमने सामने की मांग की जा सके। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की है कि गुटेरेस मंगलवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात करेंगे और पुतिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव का भी स्वागत करेंगे। गुटेरेस गुरुवार को यूक्रेन का दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और विदेश मंत्री डिमित्रो कुलेबा के साथ मुलाकात करने के लिए ये खास बैठक बुलाई गई थी। आज वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत गृहमंत्री अमित शाह ने अलग अलग जगहों पर मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने 75,000 झंडे लगाने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, श्वेता रॉय, गौतम कुमार, रंजीत मिश्रा, दिलीप यादव, रितेश यादव, कुणाल कुमार, प्रिया यादव ऑफिशियल, कुश कुमार यादव, अंकिता मिश्रा, धुरूप कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हमारे दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार के IPL सीजन में किस टीम के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।